पूजनीय श्री साहेब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे जीवन की कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं और वो सबके लिए आवश्यक होती हैं। बिना उसके कोई सुखी नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी के लिए ज़रूरत होती है, किसी के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं और कुछ ऐसे कर्म स्वभाव होते हैं जो सबके लिए ज़रूरी है। चाहे नर हो या नारी हो, चाहे शहर में रहने वाले हों और चाहे देहात में, चाहे बच्चे हों या जवान हों, सबके लिए वो ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें हैं? वो केवल हम मकान नहीं कह सकते, केवल भोजन नहीं कह सकते, ये तो सब मौलिक चीज़ें नहीं हैं। शरीर की आवश्यकताएं तो हैं, लेकिन जो जिसको पा करके पूर्ण संतुष्टि होती है, सदैव मन प्रसन्न रहता है। भोजन की बात है, कभी अगर दिन भर भोजन ना मिले तो भी चल जाएगा, बहुत बड़ा मकान ना हो तो भी चल जाता है। छोटे मकान में, झोपड़ी में, आज लाखों लोग झोपड़ी में जीते हैं। आज भी बहुत बड़े महंगे और कीमती कपड़े ना हो तो भी क्या हमारा जीवन नहीं चलेगा? चल जाता है। आज तो लोगों के बहुत कपड़े हैं, यद्यपि आज भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत किसी तरह चलाना पड़ता है। कपड़ों की आज भी कमी है, पैसे की कमी है, कपड़े की कमी है, लेकिन एक चीज तो होना चाहिए सब में, वह है सुंदर स्वभाव। कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री पुरुष कोई हो, शिक्षित अशिक्षित, शहरी देहाती, उसके जीवन में उसका सुंदर स्वभाव होना जरूरी है। अगर यह नहीं होगा तो दुखी रहेगा, हर जगह वो झगड़ेगा, हर जगह वो कलह करेगा, हर जगह वो अनफिट हो जाएगा। 10-20 लोगों की बात छोड़ो, अपने एक साथी से, एक व्यक्ति में भी वो अनफिट हो जाएगा। वो पति में अनफिट हो सकता है, पत्नी से अनफिट हो सकता है, वो अपने भाई बंधु माता पिता में भी अनफिट हो जाएगा। इसलिए सुंदर स्वभाव होना जरूरी है। अब आप सोचते होंगे कि ये सुंदर स्वभाव क्या होता है? सुंदर स्वभाव बनाना पड़ता है और इसको सुरक्षित रखना पड़ता है। ये स्वभाव है जो मूल चीजें हैं, ये सबके लिए जरूरी है। वाणी की मिठास, इसे ही कहा गया है ये अमृत है। अमृत, वाणी की मिठास कितना अमृत होती है ना। हम यहीं पर कटु बोलने लग जाएं तब जहर लगने लग जाएगा। हम बहुत मीठा बोलें, प्रेम से बोलें, किसी को हो सकता है अमृत ना भी लगे, लेकिन अभी हम कड़वा बोलने लग जाएं तो जहर तो सबको लगने लग जाएगा, है ना। तो वाणी की मिठास यह भी अमृत है। सबको वाणी सुधारना चाहिए, जितना बन सके संभाल के बोले। अब मीठा बोलने के लिए कितना हमारी पढ़ाई लिखाई हो तब बोल पाएंगे मीठा। कोई कहेगा साहब हम तो अनपढ़ आदमी हैं, कहाँ इतना मीठा, ऐसा कहीं होता है? अनपढ़ होके गाली दे सकते हैं, अनपढ़ होकर झगड़ा कर सकते हैं, अनपढ़ होकर निंदा चुगली कर सकते हैं, तो क्या अनपढ़ होकर मीठा नहीं बोल सकते? कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई की, अनपढ़ होकर के बढ़िया मीठा बोल सकते हैं। मिठास के लिए कितने शब्दों की जरूरत है, बस अंदर से भाव की जरूरत है, दिल होना चाहिए। ये दिल से जो
काम किया जाता है वो हमारे जीवन में सुख पहुंचाता है। ये सीख सीख करके ऐसे बाल रख लें, ऐसे कटिंग करवा लें, ऐसे कपड़े पहने और ऐसी भाषा में, अंग्रेजी में, संस्कृत में और फ्रेंच में बोलें, तब लोग प्रभावित होंगे। ये फालतू काम है सब। ये सीखी हुई चीजें बहुत काम की नहीं होती हैं। लोगों को अंदर से, हृदय से प्रभावित और प्रकाशित करने के लिए तो मूल चीजें चाहिए। अगर सीख सीख करके ये भाषा वाषा बोल करके, अगर अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत में बोल करके लोगों को संतोष मिलता तो अनपढ़ लोग तो बेचारे सब जगह बेकार ही होते। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो पुराने बुजुर्ग हैं, या वर्तमान में जवान नवयुवक लोग भी कुछ ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना मीठा स्वभाव, इतने सरल, इतने अच्छे हैं, इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, इतने श्रमशील हैं, इतने भक्तिवान सदाचारी हैं कि उनके स्वभाव में लगता ही नहीं कि ये अनपढ़ हैं। वो माँ से, पिता से, भाई से, मित्रों से, संतों गुरुजनों से सब जगह बढ़िया स्वभाव रखते हैं। इसलिए वाणी, वाणी बहुत मूल्यवान चीज है। देखो दुनिया में कितने प्राणी हैं जो वाणी बोल सकते हैं। वैसे बोलते तो सभी हैं, लगभग सभी तो क्या कहें, लेकिन बहुत प्राणी बोलते हैं। लेकिन टी पू गो गो ऐसे कुछ बोलते हैं। एक प्राणी है दुनिया में जो साफ स्पष्ट चीज कह सकता है, बोल सकता है, वह है कौन? मनुष्य। मनुष्य अपने सुख दुख को शब्दों में व्यक्त कर सकता है और दूसरे के बताए हुए, बोले हुए शब्दों को समझ सकता है। देखो एक बैल बंधा हो, गाय बंधी हो, कुत्ता बंधा हो, या कोई भी जानवर हो, हाथी घोड़ा ऊंट हो, बड़े बड़े जानवर, और वे भूखे हैं कि प्यासे हैं, उनको ठंडी लग रही कि गर्मी लग रही है, उनकी इच्छा है कि आज मैं हरी घास खाऊं, आज मैं भूसा खाऊं, आज बढ़िया वाला थोड़ा सा खली चुनी चोकर चलाया हुआ मुझे मिल जाए, कुछ भी इच्छा है तो कह तो नहीं सकते ना। आप लोगों को तो मन हो, हम लोगों का मन होता है कि आज पकौड़ी खाएंगे, कह देते हैं तुरंत बन जाती है, आज समोसा खाएंगे, आज जलेबी मंगाओ, आज खीर बनाओ, अपनी बातें कह देते हैं, लेकिन वे तो नहीं कह पाते, उनके पास शब्द नहीं है, विवश हैं। तो हम अपने शब्दों को बढ़िया से प्रयोग करें, ऐसे शब्द बोलें कि दूसरों को सुन करके प्रसन्नता मिले। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। वाणी जो मधुर वाणी है वो कैसे है? औषधि के समान। जैसे कि किसी को पीड़ा हो रही है शरीर में, घाव हो गया है या दर्द हो रहा है, और वहां दवाई लगा दो तो दर्द एकदम ठीक हो जाता है, कष्ट दूर हो जाता है। ऐसे ये वाणी औषधि के समान है। आदमी पीड़ित है मन से, उसको किसी ने कटु कह दिया है, किसी ने अपमान कर दिया है, किसी ने ऐसे वचन बोल दिया है कि अंदर से वो झकझोर उठा है, लेकिन कोई आकर के सांत्वना देता है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, और सह लो, शांत रहो, लड़ना नहीं है, और प्यार से कोई मीठे शब्द बोल दिया तो उसको वो थोड़ा सा प्यार क्या मिल गया, दो शब्द क्या मिल गए, औषधि जैसे लगा दी गई हो। तो घाव में जैसे औषधि लग जाने पर बड़ा आराम मिलता है, तो वैसे आराम उसको मिल जाता है। कई लोग होते हैं जो अपनी जान को गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं अब नहीं सह पाऊंगा इनकी बातें, या तो मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा।